और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बताते कि हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक के दौरान कुमारी सलजा, सुरेश गुप्ता, कैप्टन अजय यादव और अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी पर खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम तैयारियां जो है चुनाव को लेकर कांग्रेस करती हुई नजर आई। हमारे साथ कुमारी सलजा जी है। मैम, महत्वपूर्ण बैठक है, विधानसभा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में उसमें नतीजे जो है फेवरेबल देखने को मिले। लोकसभा में बहुत अच्छा रुझान था पूरे प्रदेश में, लेकिन हमें विश्वास है कि उससे भी बेहतर नतीजे आने चाहिए और आएंगे। मैम, किस प्रकार की तैयारियों, खासतौर पर हम बात करें तो जो तमाम समीकरण होते हैं जिसमें हम बात करें हरियाणा कांग्रेस की, जो कुछ चीज़ें देखने को मिलती नजर आती, गुटबाजी की बात करें या फिर हम बात करें जो संगठन है वो तमाम चीज़ें नहीं देखने को मिलती नजर आई, इन चीज़ों से किस प्रकार से जो है टैकल विधानसभा। हाँ, ये सब है आज की स्थिति, लेकिन जब चुनाव आता है सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिताना है और उसमें सब मेहनत करेंगे। हम जमीन पर किस प्रकार के मसले जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत इश्यूज हैं आज के दिन, भाजपा का जो 10 साल का कुशासन रहा, लोग सख्त नाराज हैं, हर वर्ग नाराज है और वो आप नतीजों में देखेंगे। आज मैम राज्यसभा का चुनाव था, किरण चौधरी जो है नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ से जो है भर्ती भी नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, वो उनका पार्टी का मामला है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो जो है जो नॉमिनेशन है उनकी तरफ से कोई देखने को नहीं मिलता नजर आ रहा है। ये तो शायद फैसला लिया कांग्रेस पार्टी ने कि किसी को खड़ा नहीं करेंगे। एक अंतिम प्रश्न मैम, आज हम देख रहे हैं कि ये पूरे देश भर में जो भारत बंद है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर पर जो SC ST है उसको लेकर मैम तमाम ये कुछ मुद्दे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और वर्तमान सरकार को उन सब बातों पर गौर करना चाहिए। किस प्रकार की तैयारी कांग्रेस की चल रही है? कांग्रेस की तैयारी है पूरे हरियाणा में और सभी विधानसभा में, हमारे बड़े 2556 के लगभग लोगों ने फार्म दिए हैं, तो इससे लगता है कि बहुत लोग मतलब कांग्रेस के जो 10 साल साथियों ने मेहनत की है और भाजपा से लोगों की नाराजगी है, तो कांग्रेस चुनाव जीत रही है इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार के जो आवेदन देखने को मिलते नजर आए, कहीं ना कहीं मुश्किल होगी कि किस प्रकार से जो है अब जो छटनी है वो जो है देखने को मिलती नजर आएगी? नहीं, बाबरिया जी के यहाँ इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो मतलब अच्छे लोगों को वो एडजस्ट करेंगे, रखेंगे आगे उन्हीं के, बाकी इंटरव्यू सब के होने लग रहे हैं। मसले किस प्रकार के आप देख रहे हैं कि अब जो है जमीन पर देखने? जमीन पे हालात बहुत अच्छे हैं। काफी महत्वपूर्ण बैठक है, किस प्रकार से आप रोड मैप समझ रहे हैं कि चूंकि बेहद कम समय रह गया है सर अब चुनाव के समय? बेसिकली तो स्ट्रेटजी कमेटी इन्होंने बनाई है, अब यहाँ का एजेंडा हमें तो कोई बताया नहीं, अब एजेंडे का यहाँ पता लगेगा। मेरा तो ये मानना है कि मेरिट के आधार पे जो है टिकट वितरण करना चाहिए, उसके लिए बकायदा सर्वेक्षण कराएं, सर्वे करवाएं, और अगर लोकसभा की तरह एक तरफा काम हुआ तो परिणाम सुखद नहीं होंगे। सर, एक बयान प्रभारी जी का चिरंजीव राव को देखने को मिलता नजर आया, ओवर कॉन्फिडेंस की बात वो करते हुए जो है नजर आ रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस है चिरंजीव में, कॉन्फिडेंस है। जिस प्रकार से आज राज्यसभा का नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है भर दिया गया है, किरण चौधरी जो है वो नॉमिनेशन करती हुई नजर आई है सर, कांग्रेस की तरफ से जो है सामने कोई नॉमिनेशन नहीं आया, इसका जवाब तो चीफ लीडर उदय भान जी प्रभारी जी दे सकते हैं। इस तरीके से जो है इसमें जो है कंटेस्ट करना चाहिए था और विपक्ष के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, मेरे तो अपनी राय ये है, बाकी हमारे से कोई राय लेगा तो हम कह भी देंगे। अंतिम प्रश्न ये कि किस प्रकार के जो मसले हैं वो आप देखते हैं कि जो है जमीनी स्तर पर होने चाहिए कांग्रेस की तरफ? जमीनी स्तर पे क्या है, जाकर ग्रास रूट लेवल पे इनके जो जो भी किसी टीम को ये सर्वे का काम देते हैं वो ग्राउंड लेवल पे पता करें कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला नहीं है। विनेबिलिटी शुड बी दी थंब रूल। अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, महत्वपूर्ण बैठक है सर, किस प्रकार की अब रणनीति जो है कांग्रेस की रहेगी सर आने वाले समय में? देखिए, चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रदेश के चुनाव घोषित कर दिए, 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और 5 सितंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है, उसके लिए आज की बैठक बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, उनकी तरफ से कई मसले जो है उठाए गए, हमने देखा कि अग्निवीर को लेकर घोषणा की गई, किसानों के संदर्भ में घोषणा जो है की गई है,
कांग्रेस किस प्रकार के मसले जमीन पर लेती हुई नजर आई? हर पार्टी चुनाव में तैयारी करती है, परंतु जहाँ तक बीजेपी की आप कहते हो अग्निवीर की के बारे में घोषणा की गई, किसानों के बारे में घोषणा की गई, अग्निवीर योजना लाकर जवानों का अपमान किया और किसानों के साथ इन्होंने क्या किया सारा देश जानता है कि 700 से ज्यादा किसानों ने अपना बलिदान दिया एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए, वो आज तक नहीं मिला। तो पूरे प्रदेश के लोग इनको बदलना चाहते हैं और विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा आज जो है नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आया, किरण चौधरी पहले कांग्रेस में थी अब जो है नॉमिनेशन करती हुई नजर आई है, कांग्रेस की तरफ से कोई मैदान में प्रत्याशी नहीं है सर? ये संख्या बल का खेल होता है, उनके पास संख्या बल था, कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उठाया। तो अशोक अरोड़ा जी थे जनता टीवी से, बैठक से पहले जो है बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।